पेवा में 6 अप्रैल को होने जा रही मुख्यमंत्री की रैली के लिए निमंत्रण देने कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी और थानेसर विधायक सुभाष उदा खेड़ी मारकंडा पहुंचे। यहां पर दोनों नेताओं ने स्थानीय उपस्थित लोगों से ज्यादा संख्या में 6 अप्रैल को पेवा पहुंचने का अनुरोध किया। इस मौके पर नायब सिंह सैनी और सुभाष उदा ने वर्तमान मनोहर सरकार को अब तक की सर्वश्रेष्ठ सरकार कहा और आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ के मसले पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी की जोरदार खिंचाई भी की। एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है जिसमें आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग रखी है कि चंडीगढ़ हमारा है, क्या कहना है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से संविधान को, इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने का काम किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर, इसको लेकर के बड़ा रोष है और उसकी निंदा करते हैं। चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का हक है, उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको आम आदमी नहीं, ये पार्टी जो केजरीवाल साहब और भगवंत मान है ये नहीं छीन सकते। चंडीगढ़ हरियाणा का है, हरियाणा का रहेगा चंडीगढ़, क्योंकि जब बसा था तब ये अंबाला जिला था, अंबाला जिला की जमीन के ऊपर ये चंडीगढ़ बसा है और चंडी मंदिर के नाम से ये चंडीगढ़ पड़ा है, वो भी पंचकुला जिला के अंदर है, इसको कोई रोक नहीं सकता। चंडीगढ़ के ऊपर पूर्णतः हक अगर किसी का है तो हरियाणा का है। ये भगवंत मान आम आदमी की सरकार जो इसने झूठे वादे जनता के साथ किए थे और झूठे वादों के बल के ऊपर इन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल की है, आज उनका ध्यान डाइवर्ट करने का काम इसके माध्यम से किया जा रहा है। अरे, उसको तो ये चाहिए था कि जो मैंने वादे किए हैं उन वादों को तो कम से कम मैं पूरा कर लूँ। ये इस प्रकार का लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना और इस प्रकार का अविश्वास असंतोष का माहौल पैदा करना, ये इनको शोभा नहीं देता, क्योंकि हरियाणा का जो हक है चंडीगढ़ को बरकरार है। और इसके साथ साथ हरियाणा क्योंकि पंजाब का छोटा भाई है और छोटा भाई होने के नाते जब अलग हुआ था तो हमारा एग्रीमेंट जो SYL के पानी को लेकर के हुआ था वो पानी भी हमें चाहिए। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर कहा कि उस पानी के ऊपर हरियाणा का हक है और वो पानी भी हम लेकर के रहेंगे इसके ऊपर, क्योंकि कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष सत्र बुलाया और उसके अंदर बैठ करके सारी चर्चा होगी। हम इसकी पूरी निंदा करते हैं जो शब्द उन्होंने लोक अपनी विधानसभा के अंदर ये इस प्रकार का कानून पास किया वो निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्या कहेंगे, जैसा कि चंडीगढ़ को अपना हक जिता रहा है पंजाब, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, चंडीगढ़ पर हमारा पूरा हक है। अभी आपके सामने हमने MP साहब ने किस प्रकार से बताया कि पहले जो है अंबाला का पार्ट होता था चंडीगढ़, और जो हमारा पंचकुला के अंदर चंडी मंदिर है उसी के नाम से चंडीगढ़ रखा गया। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, किस प्रकार से अभी पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए, जुमे अभी 4 दिन भी नहीं हुए, अभी मुख्यमंत्री बने, किस प्रकार की आपके सामने उन्होंने जो घोषणाएँ करी, जो अपने घोषणा पत्र में लेके आए कि हर महिला को 1,000 रुपया देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अरे वो जितने भी आपने घोषणा पत्र में आपने घोषणाएं करी हैं जिस पे आप सरकार बनाई है पहले वो पूरी कर लो। लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि हम चंडीगढ़ पे हमारा हक है, लेकिन हम मैं बताना चाहता हूँ चंडीगढ़ पे हरियाणा का पूरा हक है, हरियाणा का ही रहेगा। और उसके साथ मैं देश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने अभी 5 तारीख को विशेष सत्र बुलाया, और मैं दावे से कहूँगा एक मत से हमारा ये मत पास होगा कि चंडीगढ़ जो है वो कुछ हरियाणा का है और 40% हमारा पूरा शेयर है और चंडीगढ़ को हम छोड़ने वाले नहीं है, यही आपके माध्यम से मैं कहना है। तो अंबाला जिले का भाग था, वो अंबाला की जमीन थी और चंडीगढ़ का नाम भी, अरे चंडी मंदिर के नाम से पड़ा, चंडी मंदिर जो हरियाणा के पंचकुला का गाँव है उसके नाम से चंडीगढ़ का नाम पड़ा। परंतु जब हरियाणा और पंजाब अलग हुआ उसके अंदर 64 प्रथम तो मैं आज नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही आज हमने खेड़ी मारकंडा में लगभग आदरणीय भाई अंग्रेज सिंह जो हमारे पूर्व सरपंच है, भाई सोमनाथ जी से हमने सबसे इनसे रिक्वेस्ट करी एक कार्यक्रम का आयोजन के लिए, और आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का यहाँ आयोजन हुआ। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि आने वाली 6 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओमकार धनखड़ जी पेवा के अंदर एक बहुत बड़ी रैली जो कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है उसके उपलक्ष्य में की जा रही है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ी सौगात दे के जाएंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट को,
और आज मैं कहूँगा इसके साथ ही आज की जो जनता थोड़े शॉर्ट टाइम में इतने लोग आए हैं, तो मेरा इनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप 6 अप्रैल को पेवा में पहुँचे, यही मेरा सबसे निवेदन है।